वी हैव जस्ट ट्राई टू ज्वाइन ईच अदर फॉर आवर क्लासेस एंड आई थिंक ईच स्टूडेंट्स आर ईगर टू जस्ट ज्वाइन अस एंड वी ऑल्सो ईगर टू लर्न यू एंड कीपिंग दीज आइडिया इन द नॉलेज एंड एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड समथिंग अबाउट द फ्लूडिटी एंड द रिमेनिंग आइडियाज अबाउट द फ्लूइड प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस टूडे जस्ट आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अस द डिफरेंट आइडिया एंड स्कीमेटिक आइडिया एंड एनहांस्ड आइडिया अबाउट द थिंग्स विच इज प्योर इम्प्योर समथिंग विच इज सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड समथिंग विच इज फ्लोट्स ऑन द लिक्विड. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरफेस से बिल्कुल तैरती रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में क्या करती है डूब जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लकड़ी जो पानी में तैर कर डूबती रहती है, मतलब उसके सरफेस पे ही तैरती रहती है, कुछ पार्ट डूबी रहती है कुछ तैरती रहती हैं. सो दीज आर द थ्री केसेस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टूडे वी आर टू गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड टूडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू जस्ट फिनिश दिस सेकेंड चैप्टर्स ऑल्सो एंड टुमोरो वी विल स्टार्ट द अदर टॉपिक्स विच विल बी नोटिफाइड लेटर एंड बिफोर गोइंग टू आवर डिस्कशन वी विल गो टू द बोर्ड एंड सी विच वी आर गोइंग टू लर्न टूडे एंड हाउ इट कैन बी गेट बाय द हार्ट. सो फर्स्ट थिंग देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले पढ़ने के पहले एक चीज़ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. क्या करेंगे, एक ले लेंगे स्प्रिंग बैलेंस ले लेंगे. पहले देख लीजिए इसमें क्या है, यहाँ कोई स्प्रिंग बैलेंस जुड़ा हुआ इस तरीके का है. दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस. ये स्प्रिंग बैलेंस है. स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, किसी चीज़ में कितना एलोंगेशन हो रहा है, कौन चीज़ कितनी बढ़ रही है. पहले स्प्रिंग बैलेंस नहीं होगा तो हो सकता है इसकी लेंथ जो होगी वो 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, जब इसमें वेट नहीं बांधा हुआ होगा, ठीक है. और जब इसमें वेट हम बांध देंगे और स्प्रिंग बैलेंस लगा देंगे तो स्प्रिंग बैलेंस लगाने के बाद ये जो 10 सेंटीमीटर का लंबाई था वो बढ़ के हो सकता है 12 सेंटीमीटर हो सकता का हो ही जाएगा. इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी कि जनरली हम लोग उस स्प्रिंग को हम लोग ये भी ले लेते हैं कॉर्ड ले लेते हैं या कह सकते हैं कि रबर स्ट्रिंग ले लेते हैं या किसी भी तरीके का स्ट्रिंग जिसमें उसमें लोड पड़ेगा तो थोड़ी सी उसकी लेंथ क्या होगी बढ़ेगी. तो पहले देखिए इनिशियली इसमें 10 सेंटीमीटर का था और जैसे ही हम लोगों ने इस पर लोड बांध दी, पहले जब इसमें कोई लोड नहीं बांधा हुआ था तब और जब लोड बांध दिया और स्प्रिंग लगा दिया तो देखेंगे कि इसकी लोड क्या होगी. तो ये स्प्रिंग बैलेंस दो चीज़ मेजर करेगा, कितना लंबाई है ये भी मेजर करेगा और कितना उसका वेट है ये भी मेजर करेगा. और अगर वो मेजर इसका वेट ही मेजर करता है तो लंबाई आप स्केल से मेजर कर सकते हैं. तो दो थिंग आपके सामने हैं, चाहे जैसे भी कर लें. पहले इनिशियली वी हैव मेड सेटअप लाइक दैट कि आप इसमें देख लेंगे कि किसका इतना लोड कितना है, कितना इसका वेट है. तो लेट अस सपोज 10 न्यूटन का लोड है इस पर अभी इनिशियली जब इधर बाहर में है. अब क्या करते हैं, एक बीकर में पानी ले लेते हैं. पानी लेने के बाद इस पूरी सिस्टम को ला के इसमें पोर करते हैं पानी में. तो जैसे ही पानी में पोर करते हैं तब स्प्रिंग देखते क्या है कि स्प्रिंग पहले 10 न्यूटन का शो कर रहा था, अब धीरे धीरे 8 न्यूटन का शो करेगा, ठीक है. और जब इसको इस मास को और पानी के अंदर नीचे लोअर करेंगे तो देखेंगे कि 7 न्यूटन का 6 न्यूटन का, मतलब धीरे धीरे इसका वेट कम हो रहा है. किसका वेट कम हो रहा है, इस स्टोन का वेट. पहले तो इसका 10 न्यूटन था जब हवा में था तो इस पर जो ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा था W=mg उसका वेट धरती अपने सेंटर के तरफ लगा रही थी और उसका वेट कितना शो कर रहा था 10 न्यूटन का. और जैसे ही इस पानी में हम ला दिया, पानी में लाने के बाद देखा क्या कि स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे जो लगी हुई है ये स्प्रिंग बैलेंस
इसका वेट कम बताने लगा, पहले 10 था 9 हुआ 8 हुआ, वेट कम हो गया। तो ये वेट कम कहाँ से हो गया, कहाँ करिश्मा हो गया, कहाँ जादू हो गया, एंड दिस इज़ द मैटर विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। दिस इज़ द मिस्टीरियस थिंग एंड फर्स्ट दिस इज डिस्कवर्ड बाई आर्किमिडीज एंड द प्रिंसिपल नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो ऐसा देखा क्या गया कि जैसे ही किसी फ्लूइड में इसको लोअर करते हैं, किसी वेट को, या तो पानी में हो, किरोसिन ऑयल में हो, दूध में हो, या किसी गैस में हो, लोअर करते हैं तब इसकी मात्रा, इसकी वेट कम हो जाती है। इसका मतलब होता क्या है कि ये जो फ्लूइड है इसको अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना शुरू करता है, ठीक है। तब देखिए शुरू में जब यहाँ था तो 10 न्यूटन का फोर्स नीचे काम कर रहा था, ये 2 न्यूटन का ऊपर की तरफ लगाएगा। तो आफ्टर ऑल देखिए 10 न्यूटन का फोर्स के फोर्स नीचे काम कर रहा है और इस फ्लूइड के कारण ऊपर की तरफ 2 न्यूटन का काम कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना काम किया, देखिए 10 नीचे और 2 ऊपर, तो कुल मिला के देखिए 2 न्यूटन बैलेंस कर जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पर रह जाएगा 8 न्यूटन का फोर्स। इसको कहते हैं नेट फोर्स, मतलब कि एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स है। देखिए 10 न्यूटन का नीचे है, 2 न्यूटन का ऊपर है, और ऊपर का जो फोर्स है किस कारण से है, ये फ्लूइड एक लगाता है, दैट इज वर्चुअल फोर्स एंड दैट कैन बी मेड बाय द लिक्विड। लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स दो ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हुआ, तो 2 फोर्स। इसको कैसे इसको समझिएगा, इसको इस तरह कैसे समझिए, देखिए ये ऑब्जेक्ट है 2 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, 10 न्यूटन हो गया नीचे की तरफ, आइए 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ, कौन सा फोर्स, लिक्विड के द्वारा लगाया गया। तो देखिए ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, 8 न्यूटन का जो फोर्स होगा इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। एम आई राइट माय चाइल्ड, इज दिस क्लियर? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, एंड नोइंग दिस थिंग एंड हैविंग द नॉलेज दिस थिंग्स, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स मोर विच इज रिटन हियर एंड जस्ट गो थ्रू। इनिशियली टेक ए रीडिंग ऑफ वेट ऑफ ए स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का वेट ले लीजिए, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं बांधे, तब देख लीजिए कि कितना इसका वेट शो कर रहा है, ठीक है। आगे है जब उस पे हम लोड डाल देंगे तब वेट ले लेंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इनिशियली टेक रीडिंग ऑफ वेट ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस एंड नोट द एलोंगेशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग शुरू में कितना बढ़ा हुआ है ये भी देख लीजिए और उसका वेट भी ले लीजिए, या आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली कि इस पर वेट बांध लीजिए और इसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, इसका एलोंगेशन भी नोट कर लीजिए और इसका वेट भी लिख लीजिए अपने पास, पहला चीज। दूसरी चीज है एलोंगेशन डिक्रीजेज एज ए स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर, कहा क्या रहा है कि यहाँ जितना वेट था, जिसमें इतना एलोंगेशन था, जो बढ़ी हुई मात्रा थी, जैसे ही इसको पानी में लोअर करते हैं देखते क्या है कि इसका वेट स्प्रिंग बैलेंस पर कम शो कर रहा है, इसका मतलब कि वेट उसका घट गया और इसका एलोंगेशन भी घट गया, पहले 10 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर हो गया। तो दो चीज़ें इसकी घटी, उसका लेंथ घट गया, एलोंगेशन घट गया, और साथ ही साथ उसका वेट भी घट गया। इज दैट क्लियर? नाउ शैल वी कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए स्टोन इज फुली सबमर्ज। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे इस स्टोन को नीचे लाते जाएंगे वैसे वैसे वेट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जब कम्प्लीटली इसको बॉटम पे ला देंगे, नीचे चलाएगा, देन इट्स वेट बिकम्स कॉन्स्टेंट। अब उसका वेट घटता नहीं है, वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब वो बॉटम पे आ गया तो अब तो निचले जाने के लिए कुछ रहा ही नहीं, एंड एट दैट टाइम द वेट इज कॉन्स्टेंट। एम आई राइट? When a stone is fully submerged in the water, no further changes in elongation noticed. अब उसके बाद कोई नोटिस नहीं किया जाता है कि एलोंगेशन उसमें हो रहा है और वेट की कमी हो रही है। एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन।
इसमें शुरू में जो एलोंगेशन किस चीज़ के कारण था, वो इसके वेट के कारण था, और उसी वेट पर ये फोर्स लगा रहा था नीचे से, जिस कारण से इसकी वेट कम हो गई। एक्सटेंशन डिक्रीजेज इन द स्ट्रिंग व्हेन लोअर्ड इन द वाटर ड्यू टू द मैटर ऑफ फैक्ट दैट ए फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, किस तरीके से लगाता है, जस्ट टेक ए लुक, वेरी क्लोज लुक एट दिस फिगर ओनली। देखिए यहाँ है, इस पर स्प्रिंग बैलेंस लगी हुई है, आपको बताया था कि वेट तो नीचे काम करेगा mg, और बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और जब ये फोर्स लगाएगा तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई द वेट बिकम्स लोअर्ड। ठीक है, अब है नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस एलोंगेशन डिक्रीजेज। चूंकि नेट फोर्स पहले 10 न्यूटन का था और 2 न्यूटन इधर लगा, 8 न्यूटन रह गया, तो जब ये फोर्स ऊपर लगेगा तो इसमें जो एलोंगेशन था वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर जाएगा। नाउ नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग डिक्रीजेज एंड हेंस एलोंगेशन डिक्रीजेज। सो दीज आर द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द फोर्स एक्टेड बाई और एग्जर्टेड बाई द लिक्विड। एम आई राइट माई चाइल्ड? नाउ वी आर मूविंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इट सेज, देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपके पास कोई पॉट है, ठीक है, जब इसमें किसी ऑब्जेक्ट को या तो पूरी तरीके से डुबा दीजिएगा या आधा डुबा दीजिएगा, आधा डुबाएंगे जिसको पार्शियली कहते हैं, अब पूरा डुबा देंगे उसको क्या कहते हैं, फुल्ली कहते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लोअर्ड इन अ फ्लूइड और समाज ने फ्लूइड पार्शियली और होली और फुली, देन कह रहा है कि ये वाटर को डिस्प्लेस करता है, कहाँ से, जब ये पानी में गिरेगा तो पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब वो पानी डिस्प्लेस करेगा तो बगल में एक पॉट रख दीजिए साइड में, पानी उससे आके इधर गिरेगा, आप देखेंगे कि पानी का वेट लीजिए, वजन ले लीजिए और वजन निकाल के उसका वेट निकालिए, W बराबर mg से निकाल लेंगे, आप देखिएगा कि जितना वेट होगा उतना ही वेट है जितना इसमें स्प्रिंग में इस वेट में कमी आई थी, उतना ही वेट का पानी नीचे गिराता है। तो उसके लिए देखिए करेंगे क्या, एक एक्टिविटी लेंगे, पहले पढ़ लें इसको। व्हेन ए बॉडी पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। देखिए पहले क्या था, पहले ये चीज़ नहीं था, ये वेट नहीं था, इसको मत मानिए कि था, और पानी कम्प्लीटली भरा हुआ था, ये एक टैप बना हुआ है, इसको खोलेंगे तो पानी इसमें निकलेगा, ठीक है, अभी इसमें पानी भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी जार यह ऐसा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से लाएंगे इसको वेट को, और वेट को ला के इस पानी में डुबाएंगे और इसको खोल देंगे तो जितना अमाउंट होगा वो पानी इधर से बह के आ जाएगा। ये छोड़िए, इसको भी मिटा दीजिए, ये कम्प्लीटली भरा हुआ है, ठीक है, और इधर से अब एक ओपनिंग बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फुल टू द ब्रीम, फुल टू द ब्रीम का मतलब लबालब भरा हुआ पानी था, और जैसे ही इसमें लोअर करेंगे स्टोन को तो स्टोन अपने वॉल्यूम के बराबर इसमें से पानी क्या करेगा, इसमें गिरा देगा और इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या कि पहले जो 10 न्यूटन का इस पर फोर्स काम कर रहा था, कुछ नीचे से इस पर फोर्स लगा, कितना लगा, ये लगा आपके लिए 2 न्यूटन का लगा, तो अभी बताए थे कि 2 न्यूटन ऊपर और 10 न्यूटन नीचे, टोटल फोर्स जो रख रहा है 10-2 दैट इज 8 न्यूटन इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसमें जितना मास निकला, मास सपोज कीजिए कि m निकला, और इसका वेट कैलकुलेट करेंगे इस पानी का, m और g 9.8 से गुना करेंगे, ये कितना देगा, ये 2 न्यूटन के बराबर देगा, जितना बड़ा फोर्स ऊपर वो लगा रहा था उतने पानी के बराबर
तो पहली बार आर्किमिडीज का है कि किसी चीज़ को जब पार्शियली या फुली पानी में इमर्स करते हैं, किसी फ्लूइड में, किसी गैस में इमर्स करते हैं, तो उतना ही वेट वो बाहर निकालता है जितना उसके वेट में कमी आती है। तो कमी कितना आया था, 2 न्यूटन का कम हो गया था उसका वेट, उतने के बराबर वो वेट क्या करेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन मेड बाई द आर्किमिडीज। सो इस आर्किमिडीज के ओनर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनके मान सम्मान में एक हम लोग सैल्यूट करेंगे। नाउ अब देखिए क्या है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है सीप का। अब देखिए सीप का इस तरीके का शेप देते हैं ऐसा। अब सीप जब पानी में डूबता है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करेंगे, जब भी पानी में डूबेगा तो जितना पानी में डूबेगा उतना पानी का वेट वो क्या करेगा, बाहर कर देगा, अगल बगल में कर देगा। उस वेट को अगर वजन करेंगे तो उसका वेट क्या होता है, ठीक डिस्प्लेसमेंट पानी के बराबर होता है और उसके वेट में कमी आती है, किस में, सिप में, ठीक है ना। और ऐसा देखा गया है कि वो जो कमी आती है नीचे वाला जो बायंसी फोर्स होता है वो ज़्यादा लगा देता है, और उस बायंसी फोर्स को ज़्यादा लगने के कारण उस पर सतह पे तैरता रहता है। और ठीक जब हम निडिल को पानी में रखते हैं तो निडिल के द्वारा बायंसी फोर्स कम हो जाता है उसके वेट से, इस कारण से वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द शेप, ऐसा शेप बना दिया सेम वेट का, इस कारण से पानी की डिस्प्लेसमेंट उस तरीके से कर रहा है और निडिल आसानी से क्या करता है, डूब जाता है। तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं शेप के डिजाइन में। लैक्टोमीटर इसकी दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ द मिल्क को मेजर करने में लैक्टोमीटर, किसी चीज़ की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर इसका यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोस्ट लास्ट क्वांटिटी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो इसके पहले कि रिलेटिव डेंसिटी हम लोग देखें, कुछ चीज़ से और अवेयर होंगे, व्हाट आर दोज थिंग्स। डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेंस द सेम। किसी भी चीज़ की डेंसिटी, जैसे वाटर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा हुआ है और 15 डिग्री टेम्परेचर पर है, अगर इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखिएगा, 15 डिग्री पर रखिएगा तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा दीजिएगा डेंसिटी इसका कम हो जाएगा, डेंसिटी टेम्परेचर घटा दीजिएगा डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा घट जाएगा डेंसिटी चेंज कर जाएगा। एंड देयरफॉर इट हैज़ द रिलेवेंट मीनिंग कि डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेंस द सेम। एम आई राइट माई चाइल्ड? नेक्स्ट चीज, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इस सब्सटेंस का अलग अलग प्रॉपर्टी, पानी का अलग डेंसिटी, वाच का अलग डेंसिटी, इसका अलग डेंसिटी, चौक का अलग डेंसिटी, सो एवरी थिंग हैव डिफरेंट डेंसिटी। एम आई राइट? नाउ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। विद द यूज ऑफ डेंसिटी वी डिटरमिन प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी चीज़ का डेंसिटी देख के हम उसकी प्योरिटी करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इसकी इतनी डेंसिटी होगी तो अमुक चीज़ होगा, ठीक है, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं। नाउ द लास्ट थिंग, रिलेटिव डेंसिटी। एंड रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे जो रहेगा वाटर की डेंसिटी होगी और ऊपर होगा डेंसिटी किसी सब्सटेंस का। जैसे आपको सिल्वर का डेंसिटी चाहिए तो आपसे पूछेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। आपसे पूछेगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो आप कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, नीचे तो वाटर फिक्स रहेगा। आपसे पूछेगा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो आप कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ऑल थिंग्स आर क्लियर बिकॉज दिस इज द डेंसिटी। ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी है। डेंसिटी का क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ऊपर भी और भी केजी पर मीटर क्यूब, एंड देयर फोर इट इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होगी। एंड इट हैज़ रिटन हियर, दिस हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग, इट हैज़ नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की कोई मीनिंग, कोई यूनिट नहीं होती है। नाउ वन लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इन योर बुक 10.7 इज गिवेन, रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का दिया हुआ है 10.8,
डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है आपको, क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10.3 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। जनरली किसी सब्सटेंस के डेंसिटी को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और वाटर की डेंसिटी को रो से। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज डिफाइंड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर आप कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर जिसको सिग्मा कहेंगे और डेंसिटी ऑफ वाटर जिसको रो कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो, आपको क्या चाहिए था? रो चाहिए था, एंड देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी इनटू रो, रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10.8, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज गिवन 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, एंड जस्ट आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, 0.08 × 10^4 केजी पर मीटर क्यूब। सो दिस गिव्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, एंड अप टिल हियर वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर कोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल्सो। सो फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, पेज नंबर 142, एंड विद दीज एक्सरसाइज 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंड यू हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 22, एंड यू हैव टू सबमिट मी टुडेज नाइट बिफोर 7 PM, 7 PM का पहले सबका सॉल्यूशन मेरे पास आ जाना चाहिए। जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा उनकी क्लास भी नहीं होगी, क्योंकि हम अब क्लास हम लेने जा रहे हैं टीचमेंट पे, और ओनली दोज पीपल अलाउड हु आर सीरियस फॉर द क्लासेस, एंड रिमेनिंग विल बी एक्सपेल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, सो जस्ट ज्वाइन विथ अस एंड ज्वाइन विथ अस पीसफुली ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।